Hello everyone, I'm Rathi. I'm back with another question of chapter number 2, Structure of Atom, class 11. In this video, I'll be discussing question number 23 and it's page number 66. So first of all, just have a look on the question, then I'll give you the solution regarding these questions, right? So first part of this question is, write the electronic configuration of the following ions: A, H negative; B, Na positive; C, O2 negative; D, F negative. Second part of this question is, what are the atomic numbers of elements whose outermost electrons are represented by A, 3s1, B, 2p3, C, 3p5. Third part of the question is, which atoms are indicated by the following configurations: helium, 2s1, B bar; neon, 3s2, 3p3, C bar; argon, 4s2, 3d5. So first of all, I'll solve question number 1, that means part 1 of this question. Question is, write the electronic configuration of the following ions: A, H negative; B, Na positive; C, O2 negative; and F negative. So first part of this question, come up for solution 1. A kya hai mere paas? H negative. B kya hai mere paas? Na positive. C kya hai mere paas? O2 negative. And D kya hai mere paas? F negative. Dekhiye, jo simple electronic configuration hai hydrogen atom ki, main ab aapko yahan par is case mein nahi bata sakti hu ki electronic configuration of hydrogen atom is equals to 1s1. Since there is a gain of one electron, यहाँ पर H negative का मतलब क्या है? H negative का मतलब यहाँ पर ये है कि there is gain of electron, एक electron को हमने पाया है. There is increment of one electron in hydrogen atom. ठीक है? Negative का मतलब यहाँ पर ये है. So negative sign indicates the gain of electrons. ठीक है? Electronic configuration of simple hydrogen atom जिसमें कोई charges नहीं है, this 1s1. After the gain of one electron, okay, so after gaining one electron, electronic configuration of H negative atom is equals to 1s2. Hydrogen atom, जिसमें कोई charge नहीं है, उसके 1s1 है. Gain of one electron के बाद में हाइड्रोजन एटम बन गया एच नेगेटिव एटम. ठीक है? देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एच नेगेटिव एटम इज इक्वल्स टू 1s2. ठीक है? कमिंग टू द सेकंड बी पार्ट, एनए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले आप बताइए सोडियम की. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनए इज इक्वल्स टू 1s2, 2s2, 2p4, because 2p6, 3s1. क्योंकि इसमें सोडियम हमारे किसके आता है? देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम. सोडियम आता है हमारे 11th पोजीशन पे. That means उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11. So 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. 4, 6, 10 and 1, 11. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम आटम की है. After, अब देखिए यहाँ पर Na पॉजिटिव है. पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स. Na पॉजिटिव का मतलब यहाँ क्या हुआ? देयर इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. अब मेरे पास यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स है. जब मेरा सोडियम के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं थे, देयर वर नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. सिंपल सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. आफ्टर लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आफ्टर लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनए पॉजिटिव नाउ बिकम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनए पॉजिटिव क्या बन जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो इट विल बिकम 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s0. अब जो 3s वाला जो मेरा शेल था,
अटोमिक ऑर्बिटल का जो शेल था 3s वाला, जो 3s ऑर्बिटल था मेरा, उसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। ठीक है, सो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव हमारी क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s0 3s0 को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, आप चाहें तो 2p6 तक ही रह सकते हैं, 2p6 तक ही रुक सकते हैं, और आप चाहें तो 3s0 करके भी रुक सकते हैं, वन और अदर भी सेम ही रहता है। सो Na पॉजिटिव का समझ में आ गया, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगी। O2 नेगेटिव पे आते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम देखते हैं, क्या है ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कम्स ऑन द 8th पोजीशन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, सो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव का मतलब यहाँ क्या हुआ, देयर इज गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन अब हुआ है, सो आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को जिन्होंने गेन किया तो क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O रेज टू पावर 2 नेगेटिव क्या बन जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, सो 1s2 2s2 2p सिक्स, 2p में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो 2p में क्या आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ये सब, अब आते हैं F नेगेटिव पे, F नेगेटिव मतलब है यहाँ पर, पहले सब F नेगेटिव मतलब फ्लोरीन नेगेटिव है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एटम देखते हैं, फ्लोरीन हमारा 9th पोजीशन पे आता है, सो 1s2 2s2 2p5 आ जाएगा, 1s2 2s2 2p5। अब देखिए यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F नेगेटिव क्या होगी, अब 1s2 2s2 2p6 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया इसने, सो 1s2 2s2 2p6 अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, किसकी, F नेगेटिव की, क्योंकि अब F के पास आई एम हैविंग सिंगल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मींस गेन ऑफ। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए 3s1 बी 2p3 एंड सी 3p5। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, पहला फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का ये मैं पहले ए पार्ट करती हूँ, तो मुझे क्या बताना है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट बताना है जिसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन शेल है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड एज 3s1, तो 3s1 है नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेंगे एलिमेंट की। ठीक है, तो अगर मेरे पास 3s1 है तो इसकी पूरी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो ये 3s1 तक कैसे पहुंचा होगा, पहले 1s2 होगा, फिर 2s2, फिर बोलिए 1s2 2s2 2p6 और फिर आया होगा 3s1, तभी तो ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। ठीक है, हमने कंप्लीट कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, नाउ देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐड करो इनको, 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1,
क्या है, 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 1 = 11. सो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू 11. देयरफॉर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू 11. एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय 3s1 इज 11. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ए पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट मीन्स बी पार्ट, 2p3. ये आपने लिख लिया होगा, सो आई एम रबिंग दिस. ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट क्या है मेरा, 2p3 है बी पार्ट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट. कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट. क्या इससे क्या होगी, 2p3 तक कैसे पहुंचे होंगे, 1s2 2s2 एंड 2p3. ठीक है, इस तरह से पहुंचे होंगे 2p3 पे. सो नाउ व्हाट वी हैव गॉट, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in atom of element will be equal to 2 + 2 + 3 = 7. है ना, 7 है, 2 + 2 = 4 + 3 = 7. therefore atomic number of element is equals to 7. Atomic number of element क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया बी पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का. कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, आई एम रिमूविंग इट, प्लीज नोट डाउन इट. समझ में तो आ ही चुका होगा, बहुत सिंपल सा है ना, तो आई एम जस्ट रिमूविंग इट नाउ. ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, 3p5 है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट. कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट वो क्या होगी, 3p5 तक हमें पहुंचना. तो कैसे पहुंचेंगे 3p5 तक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ देयरफॉर नाउ number of electrons present in atom of element will be equal to 2 + 2 + 6 + 2 + 5. कितने बन जाएंगे, 2 + 2 = 4, 6 = 10, 10 + 12 = 12 + 5 = 17. 17 आ गया. देयरफॉर एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट
is equals to 17. ठीक है, ये तीनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए सेकंड क्वेश्चन के कि किस तरह से मैंने एटॉमिक नंबर निकाले हैं ऑफ एन एलिमेंट जिसका मैं सिर्फ आउटर पास कर आउटर मोस्ट पार्ट का रिप्रेजेंटेशन दिया होगा. ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन. ए हीलियम 2s1, बी नियॉन 3s2 3p3, and see argon 4s2 3d1. So beginning with the first part of the third question. So the first A part ko discuss karenge. A kya hai mere paas yahan par? Helium. So sabse pehle I will be writing the electronic configuration of the element. So electronic configuration of element He2s1 is equals to electronic configuration of the element is helium 2s1, which in turn is equals to 1s2 2s1. ठीक है, so I can say atomic number of element is equals to 3 atomic number. So element, therefore element with electronic configuration 1s2 2s1 or helium 2s1 is lithium. कैसे बचा लिथियम है? देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जो एलिमेंट की हमें दी गई है वो ये है. इस हीलियम 2s1 को हम कैसे और लिख सकते हैं? 1s2 2s1 की तरह भी लिख सकते हैं. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इसके नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रॉन काउंट ऑब्जर्व कीजिए, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चल जाएगा कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट का क्या है. कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का है वो 3 है. सो थर्ड जिस ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर थर्ड है या जो थर्ड पोजीशन पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. सो लिथियम इज द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 3. ठीक है, सो एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 और वी कैन से हीलियम 2s1 इज लिथियम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Li की फॉर्म में. ठीक है, आगे बात समझ में आपने वाली. आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन का. नोट डाउन तो कर ही लिया होगा आपने सब कुछ, है ना? सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट क्या है मेरे पास यहां पर? नियॉन 3s2 3p3. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एलिमेंट की. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज या तो ये नियॉन 3s2 3p3 है या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 10 होता है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. नियॉन आता है 10th पोजीशन पे. एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10. सो इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन इज 10. सो मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट. अब देखिए इनको काउंट कीजिए. 2 + 2 = 4 + 6 = 10 10 + 2 = 12 12 + 3 = 15. आई कैन से नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया? 15.
तीन हो गया है. एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 15. ठीक है. सो एलिमेंट देयरफॉर एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियॉन 3s2 3p3 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 is phosphorus. This one p से भी रिप्रेजेंट है. ठीक है. तो अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की हमें ये दी गई थी नियॉन 3s2 3p3. इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 में. इनको जब मैंने काउंट किया इनके इलेक्ट्रॉन्स को, दे केम आउट टू बी 15. तो इसका मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट क्या है मेरा 15 है. तो 15 पोजीशन पे पीरियोडिक टेबल में क्या आता है, फॉस्फोरस आता है. ठीक है. सो जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है नियॉन 3s2 3p3 या जो मैंने लिखी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, वो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. समझ में आ गया होगा ये वाला सेकंड पार्ट भी आपको. कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी नीड टू फाउंड आउट द व्हाट एलिमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एलिमेंट की. इलेक्ट्रॉनिक configuration of element is the argon yahan par, then 4s2 and 3d1 is equals to argon ki kya hogi electronic configuration dekhte hain. 18 hota hai argon, to dekhiye 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. ठीक है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट. अब इनको काउंट कीजिए. 2 + 2 = 4 4 + 6 = 10 10 + 2 = 12 12 + 6 = 18 18 + 2 = 20 20 + 1 = 21. देयरफॉर वी कैन से नाउ एटॉमिक नंबर of element is equals to 21. Atomic number 21 ho gaya. Therefore, element with electronic configurations argon 4s2 3d1 or 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 is scandamia. इसको हम s and small से represent है ना. सो एलिमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d1 और जो मैंने बताया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 इज स्कैंडेनियम. क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का है 21 आया है और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट 21 पोजीशन पे है वो स्कैंडेनियम है. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d1 की वो स्कैंडेनियम वाले स्कैंडेनियम जो एलिमेंट है उसकी है. I hope these three part of the question, first, second and third and their sub parts are very much clear to you. लेकिन फिर भी इन में से किसी भी part में कोई भी doubt हो आपको, then please let me know your doubts and do write your doubts in the space given below. That's
it for me now, and it's me, Raki, signing off for now and saying you all goodbye.